में सांस ली और सभी स्कूलों को स्कूल शुरू करने की अनुमति शासन द्वारा दी गई। इसी के चलते नागपुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल कामठी रोड में अंडर 16 बालकों के लिए एक इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट क्रिकेट मेनिया 2022 का आयोजन किया गया। मॉर्निंग वेरी मच। यस, ये हमने प्रेसिडेंट्स क्रप कप रखा है 2022 में और ये हमारे जो प्रेसिडेंट और प्रो वाइस चेयरपर्सन है तुलिका मैम, उनका उन्होंने ये कहा कि बच्चे जो हैं उन्होंने बहुत स्टडी किया, गहन अध्ययन मैं कहूँगी उन्होंने किया कि आजकल जो बच्चे हैं उनके सोशल स्किल्स हट रहे हैं, वो मिल नहीं रहे हैं और अब क्योंकि कोविड का इतना ज़्यादा भय नहीं है, लोग अगर मास्क करके सोशल डिस्टेंसिंग करें तो हम लोग अपना काम कर सकते हैं। तो उनको लगा बच्चों की इमोशनल कोशेंट सोशल स्किल्स देखते हुए उन्होंने कहा कि हमें ये प्रेसिडेंट्स कप रखना चाहिए जिससे कि बच्चे मिलें। वो जो एक दीवार सी बन गई थी, जो बच्चे एक कुंठित हो गए थे, वो सब उनका भय हट जाए, खेलें कूदें, सब नॉर्मल हो जाए, थोड़ी सी लाइफ नॉर्मल हो जाए, इसलिए उन्होंने ये प्रेसिडेंट्स कप का आयोजन किया। ये प्रेसिडेंट्स कप हमारी रोलिंग ट्रॉफी है और आरण्य केडिया कप जो है वो बेस्ट प्लेयर जो है वो है। हमारे 8 स्कूल्स इकट्ठे कर पाए हम लोग एंड वी आर वेरी इंडेटेड टू दी स्कूल्स फॉर सेंडिंग देयर टीम्स। एंड आज जो पहला मैच है वो एडिफाई स्कूल और हमारा DPS कामठी रोड नागपुर के बीच में डिसाइड हुआ है। ये 27th को ख़त्म होगा, इसका समापन समारोह जो है वो 27th को होगा और उस समय हम ट्रॉफीज वगैरह देंगे। कितने स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? इसमें आप देखिए 8 हैं तो 100 टीम्स हैं, क्योंकि एक्स्ट्रास भी होते हैं, तो 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड एडिफाई स्कूल, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल गाइस। एंड उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले कुछ दिनों के बाद जो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ से कुछ बच्चे हम लोगों को भी यहाँ से स्टेट और हमारी कंट्री के लिए सर्व करते हुए दिखेंगे। और इसके लिए जो मेहनत कर रहे हैं आप लोग, ग्राउंड और ये एटमॉस्फेयर देख के मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। थैंक यू वेरी मच, बहुत ज्यादा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ताज़ा खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें टाइम्स टुडे 18 न्यूज़ और बेल आइकन को प्रेस करें।